नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश किया जाता है जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में दोस्तों, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक इकोनॉमिक्स की समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो दोस्तों, आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी पढ़ाया जा रहा है, बताया दिया जा रहा है सिंपल भाषा में। साथ ही साथ दोस्तों, टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो टेस्ट अगर जो आप एग्जाम में दे के जाएंगे तो जो गलतियां एग्जाम में होती हैं वो गलतियां नहीं होने वाली हैं। तो टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जा रहा है। समय समय पे आप अपना इवैल्यूएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया जा रहा है, जिससे आप समझ पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपका करंट भी कवर कराना हमारी जिम्मेदारी, करंट भी आपका कवर होगा। तो एक स्ट्रेटजी के तहत आपको तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। इस स्ट्रेटजी को अगर जो आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो कम समय में बेहतर ढंग से कंप्लीट इकोनॉमिक्स को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, एडमिशन लेने के लिए पहले मैं बता दूं कि जो हमारी बैचेज चल रही है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड पीजीटी का एग्जाम डेट आ गया है, तो यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं लिया है। मध्य प्रदेश स्टेट के प्री एग्जाम और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए क्लासेस चल रही हैं। मध्य प्रदेश सेट के लिए भी क्लास है, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार सारे क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं। तो किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आपकी वैलिडिटी आप कोर्स लाइफ टाइम होने वाली है। तो एडमिशन लेने के लिए दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली दोस्तों, आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सेम नंबर नीचे आ रहा है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, अलग से आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, कुछ भी अलग से चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल ठीक है, और पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि ये बताइए, ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि सब कुछ ठीक आ रहा है ना, कोई किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना। हाँ, सब ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार लागू की गई, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है वो भारत में लागू किया गया। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई, सभी लोग क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने लाने का उद्देश्य मेरा ये था कि आप सभी लोग को पता होता है कि सर, ये 2006 में प्रधानमंत्री, उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, इन्होंने आंध्र प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी सर्वप्रथम, ठीक है। लेकिन 2006 तो मैक्सिमम लोग याद रखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक सारे ऑप्शन में 2006 दिख रहे हैं, 1 अप्रैल, 3 फरवरी, 2 फरवरी और 1 अप्रैल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इजी सी बात है कि आप ध्यान में रखिएगा कि 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने क्या किया था,
कि इस योजना की शुरुआत की थी मनमोहन सिंह जी के द्वारा, और उस सर्वप्रथम ये योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई थी, तो ये आंध्र प्रदेश में की गई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, इस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई। MRTP आयोग की स्थापना कब की गई भैया? MRTP आयोग की स्थापना कब की गई? MRTP आयोग फुल फॉर्म क्या है? एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम इसका क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये जो लागू होता है ये कब लागू होता है भैया, बताइए कमेंट करके। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो उत्तर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि MRTP आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और MRTP आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि MRTP एक्ट लाया जाए, और इसके तहत ये था कि बाजार को किस तरीके से सुगम बनाया जाए। ठीक है, तो क्या इसका उद्देश्य था, बाजार को सुगम बनाना। ठीक है, बाजार को सुगम बनाना, और साथ ही साथ में जो क्रेता है अर्थात जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के कल्याण में किस तरीके से वृद्धि किया जाए, उपभोक्ता कल्याण में। ठीक है, उपभोक्ता कल्याण में क्या करना, वृद्धि करना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोलो प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या इतनी कम क्यों है भैया। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सोलो प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। देखिए सर, सोलो साहब की अगर जो बात करें, तो अगर जो आप उनकी थियरी को ठीक तरीके से पढ़े होंगे, तो उन्होंने कहा था कि जो साधन होते हैं वो स्थापन योग्य होते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक की वजह दूसरे का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र निवेश फलन का क्या देखने को मिलता है, अभाव देखने को मिलता है, और उत्पादन फलन जो होता है वो रैखिक स्वरूप का होता है। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि क्लासिकीय बचत फलन की मान्यताओं पे आधारित है। तो जो क्लासिकीय बचत फलन दिया गया था उनकी मान्यताओं को इन्होंने अपने थियरी के अंतर्गत दोस्तों सम्मिलित नहीं किया था। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला, बी तो बोल रहे हैं ना सभी लोग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बोलते हैं ना श्रम और पूंजी उत्पादन के दो साधन है, श्रम और पूंजी उत्पादन के दो साधन है, मतलब श्रम की को पूंजी प्रतिस्थापित कर सकता है और पूंजी को श्रम प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, लेकिन श्रम को पूंजी प्रतिस्थापित करता है, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि आर्थिक विकास की संभावनाएं किसी देश की अल्प विकसितता के मापदंड का सही तरीका है। प्यारा सा प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। किसने कहा कि आर्थिक विकास की संभावनाएं किसी देश की अल्प विकसितता के मापदंड का सही तरीका है। बढ़िया सा प्रश्न है भाई, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल ठीक है, देखिए इजी सी बात है, आर्थिक विकास की संभावना, अगर जो आर्थिक विकास की संभावना होगी तभी तो वो देश क्या करेगा, विकसित बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये क्या कह रहे हैं कि आर्थिक विकास की संभावना है किसी देश की अल्प विकसितता के मापदंड का सही तरीका है।
अर्थात अगर जो कोई देश आर्थिक विकास करने में सक्षम है, इट मींस कि वो देश क्या है, अल्प विकसित है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने अपना आर्थिक विकास नहीं किया है। और आप सबको पता है कि जब हम लोग आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि आर्थिक विकास जो देखने को मिलता है वो अल्प विकसित देशों में और विकासशील देशों में देखने को मिलता है, और आर्थिक समृद्धि जो होता है वो विकसित देशों में देखने को मिलता है। आर्थिक समृद्धि का मतलब ये होता है कि उस देश में संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, सारी चीजें बेहतर होने वाली है, रोजगार का स्तर बढ़ने वाला है, बेरोजगारी कम होने वाली है। तो ये सारी चीजें जब होंगी तो इसे आर्थिक विकास कहा जाएगा। लेकिन आर्थिक समृद्धि जो है वो विकसित देशों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे बस ये देखा जाता है कि ये अपने टेक्नोलॉजी में कितना अच्छे से परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उनका आधारभूत विकास ऑलरेडी हो चुका होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, सारी चीज पहले से ही सुदृढ़ रहती है। ठीक है, तो आर्थिक विकास एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है और आर्थिक समृद्धि एक तरीके से छोटी टर्मिनोलॉजी है, जहां पे छोटी छोटी मतलब जहां पे उतने मापदंड नहीं है जितने मापदंड आर्थिक विकास के हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सर ए बोल रहे हैं, और कोई बी बोल रहे हैं, तो देखिए सर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग गलत बोलेंगे, और जितने लोग भी आर्थर लुईस की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ये बात कही थी आर्थर लुईस ने। तो याद रखिएगा कि आर्थिक विकास की संभावनाएं किसी देश की अल्प विकसितता के मापदंड का सही तरीका है, ये बात आर्थर लुईस साहब ने कहा था। और इन्होंने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक है कृषि और दूसरा है उद्योग। क्या करिए कि कृषि में श्रम का अतिरेक पाया जाता है, तो इस श्रम के अतिरेक को आप उद्योगों की तरफ तब तक मूव कराइए जब तक यहाँ पे अतिरेक खत्म ना हो जाए। जैसे ही अतिरेक खत्म हो जाएगा वैसे क्या होगी, अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। तो बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सर ये रहा कि क्रांतिक न्यूनतम प्रयास परिकल्पना में विशेष महत्व है, किसने दिया था? याद आ रहा है क्रांतिक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? सर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, लेबेंस्टीन ने बताया था ना, न्यूनतम क्रांतिक न्यूनतम प्रयास किसने बात की थी? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लेबेंस्टीन आप लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है, लेबेंस्टीन साहब क्या कहा था कि अल्प विकसित देश में गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है। ठीक है, अल्प विकसित देश में क्या होता है, गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है। क्या कहा था कि जो अल्प विकसित देश होता है वहां पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है, और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण लोग का निवेश क्षमता जो होता है वो कम होता है, और जब निवेश कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन कम करेंगे तो आय उन्हें कम मिलेगा, और जब आय कम मिलेगा तो वो क्या होंगे, उसी आय स्तर पे बने रहेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कुछ महानुभाव डी बता रहे हैं। अरे भैया डी कैसे बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं, आय वृद्धि तथा आय पतन की शक्तियों की बात करते हैं ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था ना कि आप इतना निवेश करिए जिससे लोगों के अंदर निवेश की भावना प्रेरित हो। ठीक है, तो आय वृद्धि तथा आय पतन की शक्तियों पे, तो आय वृद्धि में क्या है कि आप निवेश करिए, आप अर्थव्यवस्था में निवेश करिए, यहाँ पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, निवेश करेंगे तो लोग उत्साहित होंगे, जब सरकार निवेश करेगी तो लोग उत्साहित होंगे तो निजी निवेश में वृद्धि आएगी, और आय पतन की शक्ति की बात मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि पोषणीय विकास की सही परिभाषा क्या है, पोषणीय विकास क्या होता है सर, कभी दे देता है सम पोषणीय विकास क्या होता है, कभी दे देता है पोषणीय विकास क्या होता है, क्या होता है, लाइक शेयर जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको मैं कैसे बोलूं कि लाइक शेयर कर दीजिए,
कोई और शब्द तो है नहीं मेरे पास, तो निवेदन है कि लाइक शेयर कर दिया करिए। क्लास आप ही की तो है, आपके लिए ही तो मैं क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, ठीक है। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है सर, बता दीजिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है, डी के तरफ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, डी के अलावा और कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा ठीक है, अगर जो आप डी के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि पोषणीय विकास की सही परिभाषा ये होती है कि विकास का एक प्रकार जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे परंतु भविष्य की पीढ़ी की क्षमता को अनदेखा नहीं करता है। जैसे हम कहते हैं ना भैया जल बचाओ, ठीक है, पानी बचा के रखिए, प्रदूषण ज्यादा मत फैलाइए, ठीक है, ताकि भैया जो भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ी है वो भी स्वच्छ पानी का इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये सारी चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि आज से जब आप क्या बोलते हैं कि दोस्तों उन लोगों से बात करेंगे जो आज से 50 साल पहले मतलब थे, तो वो लोग कहेंगे कि हमारे जमाने में हमारे घर के बगल से हमारे गांव में नदी जो होती थी वो बहुत उफान पे होती थी, वो लोग नदियों को देखते थे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों ने कुआं देखा या छोटे मोटे तालाब देखे। अब जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है दोस्तों, अब उतने विशालकाय पैमाने पे नदियों को वो नहीं देख पाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक तरीके से क्या हो रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है और इसके कारण नदियां जो है वो धीरे 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 क्या हो रही है कि अस्तित्व को खोती चली जा रही है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं जो अपना अस्तित्व नहीं खोएंगी क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए समय समय पर प्रयास करता रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पे ये क्या है विलुप्ति की तरफ मूव कर रही है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, हम भैया जल प्रदूषित कर रहे हैं, जल प्रदूषित कर रहे हैं, तो इसका परिणाम हमें हमारे जो भविष्य में आने वाले हमारी जो पीढ़ी है उसके ऊपर पड़ने वाला है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो पोषणीय विकास की परिभाषा हो सकती है कि विकास का एक ऐसा प्रभाव कि जब हम अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करें लेकिन अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ी को भी क्या करें कि ऐसा कुछ ना करें कि उनके लिए कोई समस्या क्रिएट हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है कि हैरड डोमर के आर्थिक समृद्धि मॉडल में छुरीधार की समस्या उत्पन्न होती है, छुरीधार की समस्या उत्पन्न होती है, क्या उत्तर होगा भाई। बिल्कुल ठीक है, क्या बताते हैं हैरड डोमर मॉडल, जी एन जी डब्ल्यू जी ए, ठीक है, वांछित समृद्धि दर, प्राकृतिक समृद्धि दर और अभिष्ट समृद्धि दर, ये तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान हो जाती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति जो है वो विद्यमान हो जाती है। इसी को इन्होंने स्वर्णिम युग कहा, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि उपरोक्त तकनीकों में परिवर्तन न होने के कारण, बचत फलन की स्थिरता के कारण, त्वरक की अंतहीनता के कारण, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा, कि सर स्वर्णिम युग की बात तो हैरड डोमर मॉडल में भी कहा जाता है, स्वर्णिम युग की बात तो वो भी करते हैं, क्या बोलते हैं कि कौन करता है, थोड़ा सा प्रश्न अटपटा है देख लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। स्वर्णिम युग की बात हैरड डोमर मॉडल में भी कही गई है, स्वर्णिम युग की बात श्रीमती जॉन रॉबिन्सन साहब भी करती हैं, डेल्टा डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन, ठीक है, तो वो भी तो स्वर्णिम युग है। तो कौन है स्वर्णिम युग बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। आर्थिक समृद्धि में स्थापित मॉडल में स्थिर स्थिति परिमाण होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, दिखाई नहीं दे रहा है ये प्रश्न, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, चलिए तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी हरासमान उत्पत्ति और बढ़ती हुई मजदूरी का दर, ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि में स्थापित मॉडल में स्थिर स्थिति का परिणाम ये होता है। स्थिर स्थिति में क्या होता है दोस्तों, कि जब आप उत्पादन के साधनों का भरपूर प्रयोग करके मैक्सिमम उत्पादन कर लेते हैं तो उसके बाद तो यही आता है ना हरासमान उत्पत्ति, फिर तीसरी अवस्था आ जाती है और इसमें क्या होती है मजदूरी जो है वो बढ़ने लगती है। इजी सी बात है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सकल जो संतुलन की अवस्था होती है वो द्वितीय चरण होती है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला आर्थिक, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, है ना, मुझे पता है बहुत सारे लोग गलत करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत करेंगे क्योंकि वो रटे पड़े होंगे, किसको रटे होंगे बताइए। चलिए, समृद्धि अर्थशास्त्र में बाह्य मितव्ययताओं का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बोल रहे हैं, है ना, बी सभी लोग बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये बताइए कि समृद्धि अर्थशास्त्र में बाह्य मितव्ययताओं का विचार है सबसे पहले किसके द्वारा, सबसे पहले मतलब प्रथम बार, तो प्रथम बार की अगर जो बात करेगा दोस्तों तो वो होंगे मार्शल साहब, ठीक है, और इसे सुव्यवस्थित तरीके से किसने बताया तब बताएंगे दोस्तों यंग साहब, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि बाह्य मितव्ययता की बात सर्वप्रथम जो है वो मार्शल साहब करते हैं, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन जो है वो यंग साहब करते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे ई बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले की बात किया गया है तो यंग उत्तर नहीं होंगे, यहाँ पे उत्तर जो होगा वो मार्शल साहब होंगे, ठीक है। और बाह्य मितव्ययताएं क्या होती है, देखिए बाह्य मितव्ययताएं क्या होती हैं कि जब कोई एक उद्योग है, जैसे मान लीजिए कि साबुन का कोई एक उद्योग है, इसमें लाइफ बॉय की कंपनी है, ठीक है, इसमें डव की कंपनी है, ठीक है, इसमें पतंजलि की कंपनी है, जब इस उद्योग में कोई नई फर्म आए, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया कि कोई कंपनी स्थापित कर दिया और उसका नाम रख दिया सृष्टि साबुन, ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे कि इस कंपनी के आने से जब इनको लाभ होगा, ठीक है, इनको लाभ होगा तो इसे कहा जाएगा बाह्य मितव्ययता, और जब ये लाइफ बॉय की कंपनी, डव की कंपनी या जो भी कंपनी है ये खुद में विस्तार करेगी, खुद में इंप्रूव करेगी और इसके कारण जब इसे लाभ मिलेगा तो इसे बोला जाएगा आंतरिक मितव्ययता, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, असंतुलन समृद्धि के हैरड मॉडल में निम्नलिखित में से क्या एक स्थिर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिल्कुल ठीक है, हाँ, कि असंतुलित समृद्धि के हैरड मॉडल में निम्नलिखित में से क्या एक स्थिर नहीं है, इसे इन्होंने स्थिर नहीं माना था भैया, बता दीजिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, सभी महानुभाव बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, असंतुलन समृद्धि के हैरड मॉडल में निम्न में से क्या एक स्थिर नहीं है, क्या स्थिर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है,
जो वास्तविक वृद्धि दर है उसको उन्होंने क्या बताया कि वास्तविक वृद्धि दर वह दर होता है जिस दर पर एक देश क्या कर रहा है, देश जो है वो विकास कर रहा है, ठीक है, विकास कर रहा है, ठीक है। तो वास्तविक वृद्धि दर को ये स्थिर कैसे मानते हैं, वास्तविक वृद्धि दर क्या बताते हैं, यही तो बताते हैं कि वास्तविक वृद्धि दर ऐसी दर है जिस दर पर एक देश जो है वो विकास कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। और यह दर जो है दोस्तों अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को व्यक्त करता है, अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को व्यक्त करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो असंतुलित समृद्धि के हैरड मॉडल में निम्नलिखित में से क्या एक स्थिर नहीं है, तो वास्तविक वृद्धि दर को इन्होंने स्थिर नहीं माना है। और वास्तविक वृद्धि दर जो है वो ये बताते हैं कि वास्तविक वृद्धि दर वह दर है जिस दर पर देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यह दर जो होता है दोस्तों वो अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, रोजेस्टीन रोडान के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास की सर्वोत्तम विधि है, रोजेस्टीन रोडान के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। चलिए रोजेस्टीन रोडान साहब ने कौन सी थियरी दी थी सर, बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। रोजेस्टीन रोडान बड़े धक्के का सिद्धांत या प्रबल प्रयास सिद्धांत, ठीक है, प्रबल प्रबल प्रयास सिद्धांत, ठीक है, या बड़े धक्के का सिद्धांत, बड़े धक्के का सिद्धांत, ठीक है, रोजेस्टीन रोडान साहब ने दिया था, क्या बताया था सर, बताएंगे। तो आपको अब अंदाजा लग ही गया होगा कि रोजेस्टीन रोडान साहब कहते हैं कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है वहां पे का क्या देखने को मिलता है, गरीबी का दुष्चक्र देखने को मिलता है, वहां पे लोगों की आय इतनी कम होती है कि वो अपने जीवन को किसी तरीके से निर्वहन कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति अर्थव्यवस्था में बनी रहेगी तो एक व्यक्ति उत्पादन के लिए कैसे आगे आएगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार को अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे निवेश करना चाहिए ताकि उस देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुदृढ़ हो और लोगों को आत्मबल मिले कि अब हमको क्या करना है, कुछ ना कुछ निवेश करना है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर जो गांव में रहते हैं आपके गांव में बिजली ही नहीं आती है तो आप कभी उत्पादन के लिए सोच पाएंगे क्या, अगर जो आपको आलू ही उगाना हो तो क्या आप बिना बिजली के आलू उग जाएगा क्या, भैया सिंचाई करनी होगी, छोटी सी लैंड है तो पंपिंग सेट चला करके आप आलू नहीं उगाएंगे, कहेंगे भैया अगर जो मोटर रहता हमारे घर में तो क्या कर देते, चला के दो तीन घंटे छोड़ देते, हमारा आलू जो है, आलू की जो फसल है वो उग जाती है, ठीक है। ऐसे ही छोटे मोटे अगर जो उद्योग आप लगाना चाहते हैं तो भैया लाइट की तो जरूरत है, लाइट की जरूरत है, साथ ही साथ में अब आपके गांव से शहर के लिए अच्छी सड़क की भी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर जो गांव से शहर तक अच्छी सड़क की व्यवस्था नहीं है तो भी आप उत्पादन नहीं करेंगे। तो उन्होंने यही कहा है कि ये सारी चीजों को आप सुदृढ़ करिए, लोग खुद ही क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि डब्ल्यू डब्ल्यू लियोंटीफ को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसलिए प्रदान किया जाता है भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है सर, बताइएगा जरूर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए लियोंटीफ साहब क्या बोलते हैं, ये आगत निर्गत विश्लेषण दे रहे हैं और बहुत ही आसान भाषा में मैं बता रहा हूं, जिंदगी में फिर कभी भूलिएगा नहीं कि ये क्या कहते हैं। तो देखिए बहुत आसान भाषा में जितना आसान हो सकता है, देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू लियोंटीफ साहब ये कहते हैं कि देखिए जो अर्थव्यवस्था में उद्योग है ना वो परस्पर आपस में अंतः निर्भर है, मतलब परस्पर आपस में संबंधित है। अगर जो उद्योग ए है यहाँ पे, ठीक है, उद्योग ए जो है
वो उद्योग बी से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, उद्योग ए उद्योग बी से जुड़ा हुआ है। अगर जो ए के मांग में वृद्धि आए, अगर जो ए अपने उत्पादन में वृद्धि करना चाहता है, अर्थात ए निर्गत में वृद्धि करना चाहता है, निर्गत, निर्गत का मतलब क्या होता है कि जब आप उत्पादन को बढ़ाते हैं तो जो उत्पादन को बढ़ाने से या जो आपकी उत्पादन की लागतें होती हैं, भूमि पूंजी श्रम इन सारी चीजों, भूमि श्रम और टेक्नोलॉजी पे जो खर्च करते हैं इसे निर्गत बोलते हैं। और आगत क्या होता है कि जब आप उत्पादन कर लेते हैं तो जो उससे आय प्राप्त करते हैं उसे हम आगत बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर जो उद्योग ए अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है अर्थात निर्गत को बढ़ाना चाहता है तो ये जो उद्योग बी है इसके आगत में वृद्धि हो जाएगी, आगत में वृद्धि हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए ये उद्योग जो है ये आटा से संबंधित है, आटा से संबंधित है मतलब जो गेहूं से आटा बनता है, और ये उद्योग जो उद्योग ए है वो किससे संबंधित है, ये ब्रेड से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो ब्रेड की मांग में वृद्धि होगी तो ये वाला जो उद्योग है ए वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाना चाहेगा। और अब ब्रेड के उत्पादन को बढ़ाना है तो ए को बी से आटा क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी बिक्री ज्यादा हो जाएगी, इट मींस कि इसकी आय जो है वो ज्यादा हो रही है, और ये जब ये अपने निर्गत को बढ़ा रहा है तो इस बात को दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जितने भी उद्योग होते हैं सारे उद्योग आपस में परस्पर निर्भर होते हैं, ये बात कही थी दोस्तों आगत निर्गत विश्लेषण में लियोन टिप्स आपके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, और इसी के लिए इनको क्या मिलता है, नोबल प्राइज मिलता है। अगला प्रश्न सर आपके सामने ये रहा, ठीक है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने असंतुलित समृद्धि का समर्थन नहीं किया, असंतुलित समृद्धि का समर्थन नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला भाई नोबेल पुरस्कार इनको, जहां तक मेरी मेमोरी अगर जो ठीक है तो इन्हें 1973 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, लियोन टिप्स साहब को 1973 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था, अगर जो मैं जहां तक मुझे लग रहा है मैं श्योर हूँ 99% की यही ईयर था। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर जो इधर उधर होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल ठीक है ये बोल रहे हैं, और कोई ए के अलावा, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि रोजेस्टीन रोडान जो है ये संतुलित समृद्धि के पक्ष में थे। ठीक है, संतुलित जिसमें कौन थे, रोजेस्टीन रोडान हो गए प्रेविस हो गए ठीक है। इन लोगों का क्या कहना था, इनका ये कहना था कि अर्थव्यवस्था में जितने निवेश है, जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से आप निवेश करके तभी देश आपका आर्थिक विकास कर पाएगा। लेकिन जो असंतुलित समृद्धि दर की बात करते हैं, असंतुलित समृद्धि की बात करते हैं, उसके मुखिया जो हैं वो हर्षमैन साहब हैं। ठीक है, हर्षमैन साहब कहते हैं कि देखिए भैया सभी क्षेत्र में आप समान रूप से निवेश करिए नहीं करिए, आप उन क्षेत्रों में निवेश करिए जिन क्षेत्रों में लाभ आपको ज्यादा मिले, और जब वहां पे से आपको लाभ मिलता है तो जो बाकी के बचे क्षेत्र हैं उसमें आप निवेश कर दीजिए, आपकी अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर क्यों नहीं करते भैया, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए सर बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि द्वैतवाद अर्थव्यवस्था वह है जहां पर, द्वैतवाद अर्थव्यवस्था से आशय क्या है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इजी सी बात है भाई, इजी सी बात है, बताएंगे। देखिए जब एग्जाम में बैठेंगे तो ऑप्शन नंबर सी समझ में ज्यादा आएगा, जैसा कि एक दो लोग बता भी रहे, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या है, ठीक है, सी जितने भी कर रहे हैं सबका उत्तर ठीक है।
है ना। सी वाला और कोई है तो सी वाले जितने भी कर रहे हैं सब के सब गलत है, ठीक है। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सब के सब सही है, ठीक है। तो देखिए द्वैतवाद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र और परंपरागत जीवन निर्वाह क्षेत्र का साथ साथ अस्तित्व विद्यमान हो, ठीक है। जैसे देखिए गवर्नमेंट कहती है ना कि हम क्या करना है, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है, कपास और हमको जो सूती वस्त्र है उसके उद्योग, सूती वस्त्र से संबंधित जो उद्योग है उसको बढ़ावा देना है। तो वो हमारे क्या है, परंपरागत क्षेत्र है और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र। अब नए नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, नए नए तरीके से कपड़े बनाए जा रहे हैं, अलग अलग डिजाइन आ रहा है, ठीक है। किसी कपड़े पे सांप का डिजाइन आ रहा है, किसी पे बिच्छू का डिजाइन आ रहा है, लोग खूब पहन रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, तो द्वैतवाद अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि जो हमारे परंपरागत उद्योग हैं उसको भी हमको जिंदा रखना है और नए उद्योगों की भी स्थापना करनी है। परंपरागत उद्योग में आप देख सकते हैं दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक उद्योग में आप देख रहे हैं नए नए तरीके के उद्योग प्रकाश में आ ही रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक से के बाजार नियम पे आधारित है, से के बाजार नियम पे आधारित है, बिल्कुल ठीक है, से के बाजार नियम पे आधारित है। से का नियम क्या कहता है सर, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ठीक है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, सृजन स्वयं करती है, स्वयं करती है, ठीक है। और इसका उल्टा ठीक कौन कहता है, किंस साहब कहते हैं। किंस साहब क्या कहते हैं कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। तो निम्नलिखित में से कौन एक से के बाजार नियम पे आधारित है, तो नर्स का संतुलित विकास सिद्धांत। तो नर्स साहब ने अपने संतुलित विकास सिद्धांत में क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में आप क्या करिए, निवेश करिए, जितने भी क्षेत्र में निवेश करेंगे सारे क्षेत्र जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे और सभी क्षेत्र एक बार में क्या करेंगे, तेजी से विकास करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी जब क्षेत्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो मांग पूर्ति क्या होगी, क्रियाशील सभी क्षेत्रों में हो जाएगी ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या उत्तर आ रहा है भैया, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर करिए, चलिए। किंस के अनुसार निजी निवेश निर्णय आधारित होता है, किंस साहब के अनुसार निजी निवेश निर्णय आधारित होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं भैया, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। किंस साहब ये बोलते हैं कि निजी निवेश निर्णय जो है वो आधारित होता है पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे। और किंस साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो आपकी आय होती है वो बराबर होती है आपके उपभोग, ठीक है, और जो उपभोग के बाद आप छोड़ते हैं उसे बोलते हैं बचत, और यही जो बचत होता है यही बचत आपके निवेश के बराबर होता है, अर्थात S इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता के आधार पे ही क्या होता है, निजी निवेश निर्णय लिए जाते हैं। अगर जो सीमांत उत्पादकता अधिक है तो निवेश अधिक होगा, कम है तो कम होगा। अगला प्रश्न, प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास का विचार किसने दिया, किफायत का विरोधाभास की अवधारणा किसने दिया सर बता दीजिए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक, इजी सी बात है, किफायत का विरोधाभास क्या होगा भाई, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और कोई, और कोई, और कोई, सी सभी लोग बोल रहे हैं,
जितने लोग भी सर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये प्रारंभ में बोल रहा है, मतलब सबसे पहले किसने कहा था कि किफायत का विरोधाभास, मतलब क्या करिए कि आप अगर जो किफायत करेंगे अर्थात अगर जो आप बचत करेंगे, किफायत मीन्स एक तरीके से अगर जो आप बचत ज्यादा करेंगे, ब्याज ज्यादा बचत करेंगे तो निवेश आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब निवेश कम हो जाएगा तो उत्पादन का स्तर भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितने लोग भी बर्नार्ड मैन डेविले की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला इस प्रश्न का उत्तर करिए, हाँ बाद में किंस साहब भी किफायत के विरोधाभास की बात करते हैं बाद में चल के, लेकिन प्रारंभिक रूप से यही करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न जो है दोस्तों वो आपको प्रैक्टिस सेशन में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का को। और दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी तक हमारी दूसरी क्लास जो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे वहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। कंप्लीट आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत नोट्स भी दिया जा रहा है, सिंपल सटीक भाषा में टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट भी दीजिए समय समय पे, अपना इवैल्यूएशन करिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल रहा है और करंट भी आपको का कवर कराया जाएगा। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप इन सारी चीजों को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम की है, इट मीन्स आगामी परीक्षाओं के लिए भी आप हमारे साथ उपलब्ध रहेंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जेआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका बैच अलग अलग है। एडमिशन दोस्तों ओपन है, एडमिशन फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपए है। तो आपको अपनी फीस जो है वो इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये एक्स क्षमता कहलाता है, ठीक है। और एक्स क्षमता की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कही गई है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन करता है, मतलब जितने भी अवसर होते हैं उसको क्या करता है कि उसको ठीक तरीके से उस अवसर का लाभ उठाता है। तो इसे हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, एक्स क्षमता थियरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और एक्स क्षमता थियरी कौन देता है सर, कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, कमेंट करके जरूर बताइए। ये लेवेंस्टीन साहब की थियरी है, ठीक है। एक्स दक्षता की बात कौन करते हैं, लेवेंस्टीन साहब बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो एक्स क्षमता के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं कि जब प्रभावशीलता, वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन किया जाता है तो उसे एक्स क्षमता कहा जाता है। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक लाभ अधिकतम कब होगा भैया, समाज का लाभ अधिकतम कब होगा बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी है, ऐसा क्यों है भाई। रश्मि तिवारी जी, शांति जी, अभय जी, कृष्णा जी, निकहट जी, कृष्णा जी, हर्ष मिश्रा जी, नितिन मिश्रा जी, सिंह साहब जी, सागर कुमार जी, दिनेश जी, सुमन शर्मा जी, तस्नीम जी, बृष्टि शर्मा जी, थानेश्वर जी, सभी लोग जी, अफजल हसन जी, ठीक है, सुनीता तिवारी जी, अमन सिंह जी, सोनी शर्मा जी, सुनील जी, अभी चौधरी जी, बबीता त्यागी जी, सभी लोग ठीक है, अमरेश जी, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग बी बोल रहे हैं, तो ठीक बोल रहे हैं कि जब सीमांत सामाजिक उपयोगिता सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर हो। तो सामाजिक लाभ का सिद्धांत बेसिकली दोस्तों हम लोग कहाँ पे देखते हैं, जब हम लोग वहां पे टैक्सेशन को पढ़ते हैं तो डाल्टन साहब कहते हैं ना, डाल्टन साहब ये बात बताते हैं ना कि देखिए
जो टैक्स पेयर हैं उनकी जो त्याग है वो बराबर होनी चाहिए, उन बराबर होनी चाहिए किसके, जो लोग उस टैक्स का पैसा सरकार के माध्यम से पा रहे हैं उसके लाभ के बराबर। मतलब 5 रुपए त्याग करने से जितना कष्ट हमें हुआ टैक्स के रूप में, उतना ही जब सरकार 5 रुपए दूसरे लोग को देगी, गरीबों को देगी, तो उस 5 रुपए से उतना ही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो 5 रुपए प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर चलिए विचार कर लीजिए और विचार करके बता दीजिए क्या उत्तर ठीक होगा। और इतने सारे लोग हैं, कई लोग को मैं देख रहा हूं कि क्या कर रहे हैं, इतना सारा नाम चेंज कर रहे हैं। इतने सारे लोग हैं यूट्यूब पे भी नाम चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं भाई, है ना, अपनी पहचान बनाए रखिए, है ना, अपनी पहचान को बनाए रखिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, कुछ महानुभाव डी भी बोल रहे हैं, और कोई ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं चलिए देखते हैं कि मुद्रा स्टॉक है जबकि व्यय प्रवाह है। बिल्कुल ठीक है, व्यय जब आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में मुद्रा एक जगह से दूसरी जगह जाती ही है, और मुद्रा स्टॉक है मतलब आप मुद्रा को क्या करते हैं कि उसको बचत करके भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये बात ठीक है। धन भी स्टॉक है जबकि आय प्रवाह है। ठीक है, धन भी स्टॉक है जबकि आय भी क्या है, प्रवाह है। बात तो ये भी ठीक है, आय प्राप्त होता है तो भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको पैसा मिलता है, ये भी बात ठीक है। सरकारी ऋण स्टॉक है मतलब ऋण रखा जाएगा, परंतु ब्याज भुगतान क्या है, प्रवाह है। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ब्याज भुगतान किसके अंतर्गत आ जाएगा, इस व्यय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बैंकों द्वारा प्रवाह है मतलब जमा और क्या करता है, ये पैसे को जमा करने का काम करता है और ये पैसे को देने का काम करता है, तो ये प्रवाह है। जबकि कुल जमा जो है वो ऋण स्टॉक है, कुल जमा को क्या है, और ऋण के रूप में वो स्टॉक है। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न ठीक है, निम्नलिखित मदों पर आप विचार कर दीजिए और भारत में आरक्षित द्रव्य में किसे किसे सम्मिलित करते हैं, आरक्षित द्रव्य में किसे सम्मिलित करते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, कुछ महानुभाव डी बोल रहे हैं, और कोई, ठीक है, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। बिल्कुल ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, डी बोल रहे हैं सभी लोग, डी के अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जनता के पास मुद्रा, ये तो आप कंफर्म है, देयर इज नो डाउट। बैंकों के पास जो नकदी होता है उसे भी शामिल करते हैं। ठीक है, डाकघर बचत बैंक निपेक्ष को कैसे शामिल करते हैं, सर क्यों गलत कर रहे हैं, इसको आरक्षित द्रव्य के अंतर्गत थोड़ी शामिल किया जाता है। मैंने एक बार नहीं बहुत बार ये बात बताई है, बैंकों की सावधि निपेक्ष को नहीं जमा करते हैं भैया, इसमें जनता के पास जो मुद्रा होती है वो आती है और जो बैंकों के पास नकदी होता है वो आता है। ठीक है, अर्थात जिसे आसानी से आप क्या कर सके, बैंकों में जमा कर सके और बैंकों से निकाल सके,
तो केवल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा ना, एक और दो जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है। 100% ये मान के चलिए कि आप टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम की परीक्षा जो शिक्षक से संबंधित है देने जा रहे हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है कि केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की दो विधियां होती हैं, एक होती है मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक, और एक होती है दोस्तों गुणात्मक, ठीक है। एक प्रश्न जरूर यहां से पूछा जाएगा गुणात्मक, ठीक है। तो मात्रात्मक में क्या आता है, गुणात्मक में क्या आता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है, आप इस बार मुझे बता दीजिएगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोग क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि गुणात्मक साख नियंत्रण का उपाय इसमें जो है ये खुले बाजार की क्रियाएं नहीं है, ठीक है। इसमें क्या आता है गुणात्मक साख नियंत्रण में, मार्जिन आवश्यकताएं निर्धारित करना, विभेदात्मक ब्याज दरें, साख की राशनिंग, और क्या आता है नैतिक दबाव आता है, नैतिक दबाव आता है, ठीक है। और ये मात्रात्मक में क्या आता है, खुले बाजार की क्रियाएं आती हैं, रेपो रेट आता है, बैंक दर आता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्यों कहा भैया कि देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक नियम अगर जो आप बना देंगे तो वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग व्यापार के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है, ठीक है। और जो लोग सुबह में क्लास करना चाहते हैं वो 10 बजे से भी क्लास होती है, कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन पे होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से उस एप्लीकेशन वाली क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए सभी लोग बोल रहे हैं, अच्छी बात है भाई, सभी लोग ए बोल रहे हैं, और कोई ए के अलावा, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं सर। कि देखिए क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग 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 सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है कि राष्ट्रों में भौगोलिक अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, राष्ट्रों में भौगोलिक अंतर देखने को मिलता है, और ऐसी स्थिति में व्यापार क्यों होता है, व्यापार इसलिए होता है कि अलग अलग देशों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उनकी साधन संपदा अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए कि दो देशों को ले लिया जाए, जो दोनों देश ठंडे देश हैं, जहां पे ठंडी ज्यादा पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि उन दोनों के मध्य कोई बहुत ज्यादा व्यापार के चांसेस नहीं होंगे। अगर जो एक देश का वातावरण बहुत ठंडा है, दूसरे देश का वातावरण बहुत गर्म है, तब जाकर के ऐसी स्थिति में वो अपने वस्तुओं को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो दो देश जो बहुत दोनों देश जो हैं वो ठंडे हैं, तो ऐसी स्थिति में भैया वो किस वस्तु का व्यापार करेंगे, जो उत्पादन वहां हो रहा होगा वही उत्पादन यहाँ भी हो रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में वो व्यापार नहीं करेंगे। भौगोलिक भिन्नता के कारण अलग अलग थियरी की जरूरत पड़ती है, ये बात बताते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्री, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लासिकल अर्थशास्त्र के विचार को व्यक्त करता है। क्लासिकल अर्थशास्त्र के विचार को व्यक्त करता है कौन सा कथन, बिल्कुल ठीक है, वही प्रश्न है, थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान से इस प्रश्न को करना है, बिल्कुल ठीक है। क्लासिकल अर्थशास्त्र के विचार को व्यक्त करता है, देखिए दोस्तों क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ये कहना था कि जो तकनीकी होगी वो स्थिर होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी होगी, जो तकनीकी होगी,
वो क्या होगी, स्थिर होगी। ठीक है, इन्होंने टेक्नोलॉजी को क्या माना है, स्थिर माना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तकनीकी को इन्होंने क्या माना है, स्थिर माना है। और क्या कहा है कि दो देशों में साधन जो होंगे वो पूर्तिया क्या होंगे, गतिशील होंगे। एब्सोल्युटली ठीक है भैया, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचार को व्यक्त करता है, तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका ये कहना था कि देश में साधन क्या होते हैं, पूर्तिया, दो देश नहीं, देश के अंदर, देश में साधन जो होते हैं वो पूर्तिया गतिशील होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं आप भी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गलत पढ़ रहे हैं इस प्रश्न को। ठीक है, ये लोग ये कहते हैं कि भैया देश के अंदर साधन जो होंगे, अंदर जो होगा वो साधन जो होगा वो गतिशील होगा। ठीक है, साधन क्या होगा, गतिशील होगा, मतलब एक देश के अंदर जो साधन होंगे वो गतिशील होंगे, लेकिन देश के बाहर अर्थात भारत हो गया, चीन हो गया, मतलब देश के बाहर जो साधन होंगे वो अगतिशील होंगे। ठीक है, देश के अंदर जो होगा वो साधन गतिशील होगा, लेकिन देश के बाहर जो साधन होगा वो अगतिशील होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगतिशील होगा। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है कि देश के अंदर साधन क्या होंगे, गतिशील होंगे, लेकिन एक देश दूसरे देश से कंपेयर अगर जो किया जाएगा तो देश के बाहर साधन जो होते हैं वो साधनों में गतिशीलता नहीं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, ऐसे देशों का समूह जिन्होंने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है कहलाता है। आज ये प्रश्न गलत नहीं करना है, पिछले 3 दिनों से लगातार ये मैं प्रश्न ला रहा हूं और बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं सर, इजी सी बात है, कितने लोग सी के तरफ चल रहे हैं। ठीक है, 4 दिनों से आ रहा है ये प्रश्न, है ना, 4 दिनों से ये प्रश्न आ रहा है। तो क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कोई सी के तरफ कितने लोग हैं उठाइए, यस नो में कोई नहीं बोल रहा है, कोई सी नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं फंसने वाला। अच्छा भाई, सी आप अगर जो नहीं बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा, अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि देखिए, ऐसे देशों का समूह जिन्होंने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क अर्थात आयात और निर्यात पे लगने वाले कर को प्रशुल्क बोलते हैं, ठीक है, और मात्रात्मक प्रतिबंध जिसे हम लोग कोटा बोलते हैं, इन सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब ये कहा गया है कि भैया आप हमारे देश में आइए, हम आपके देश में जाकर के व्यापार करेंगे, मतलब निर्यात आयात करेंगे, सरकार का इस पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार हम लोगों की वस्तुओं पे टैक्स नहीं लगाएगी, सरकार कोई कोटा और अभ्यंश निर्धारित नहीं करेगा, कोई मात्रात्मक प्रतिबंध सरकार नहीं लगाएगा, तो इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपके आएंगे, चलिए व्यापार करते हैं, और क्या, मुक्त है, मुक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोलने लगे कुछ लोग सी बोलने लगे, अरे भाई थोड़ा सा दिमाग को क्या रखिए, स्थिर रखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही दिमाग काम करता है जैसे यहाँ पे कर रहा है। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, और कोई, और कोई सर, बी के अलावा, बी के अलावा कोई और है, बी के अलावा कोई और है, हाँ ठीक है, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि प्रस्ताव वक्र के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कथन ये नहीं है कि प्रस्ताव वक्र व्यापार में होने वाले लाभों की व्याख्या नहीं करता है।
ये व्यापार में होने वाले लाभों की व्याख्या करते हैं। प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दिया था? मार्शल और एजवर्थ साहब ने दिया था। ठीक है, तो प्रस्ताव वक्र प्रतिभाग वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिसे प्रसंविदा वक्र भी बोलते हैं। प्रस्ताव वक्रों का केवल धनात्मक लोच वाला अंश ही व्यापार संतुलन के लिए प्रयुक्त होता है और प्रस्ताव वक्र विनिमय दर निर्धारण में क्या होता है? सहायक होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन लोगों का क्या कहना था भाई, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें एक सत्य है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना सर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि देखिए, एक मजदूर को उसको जो मजदूरी दीजिए वो इतना दीजिए कि वो कम से कम अपनी जिंदगी का निर्वहन कर सके। और जिंदगी निर्वहन करने का मतलब क्या होता है? जिंदगी निर्वहन करने का मतलब ये होता है कि वो कम से कम रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। तो क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सत्य बात यह है कि उन लोगों ने कहा कि एक मजदूर को उसको इतनी मजदूरी दीजिए कि कम से कम वो अपने जीवन का निर्वाह कर पाए, वो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप आराम से करिएगा और प्यार से करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अगर जो आप ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, नोट्स को भी वहां पे पढ़ते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय समय पर टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं और आपको करंट भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों, एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप इन सभी स्टेप को फॉलो करते रहिए, एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कहता हूं कि बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, सबके बैच अलग अलग हैं और अलग अलग बैच में दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होगा भाई, सी होगा कि बी होगा। देखिए, वस्तु का सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ठीक है, सामान्य मांग फलन जो होता है वो बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। बात तो भैया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक देखने को मिलता है तथा अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यही तो होता है ना कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आती है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप मांग को कम करते हैं, ठीक है, या आपकी आय में वृद्धि होती है तो आप मांग को बढ़ाते हैं। ठीक है, यही तो होता है ना कि जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो आपकी मांग जो होती है वो बढ़ जाती है, या जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो भी आपकी मांग जो है वो बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ठीक है सर। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, ए और आर, ठीक है, एक सेकेंड, कीमत परिवर्तन के कारण, चाहे यहां पे एक सेकेंड रुक जाइए, वस्तु का सामान्य मांग बाएं से दाएं की तरफ होता है। हाँ ठीक है, तो ये तो एक अलग स्टेटमेंट हो गया ना, बाएं से दाएं होना एक अलग स्टेटमेंट हो गया,
और कीमत प्रभाव के कारण यहाँ पे आय प्रभाव की बात बोल रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे जब आय प्रभाव की बात बोल रहा है तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है, क्योंकि भैया देखिए यहाँ पे आय प्रभाव की बात हो रही है और यहाँ पे मांग फलन की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, खाद्यान्न की मांग की आयलोच क्या होती है, खाद्यान्न के मांग की आयलोच क्या होती है, कमेंट करके बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई, खाद्यान्न की मांग की आयलोच होगी, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर जी, ये जितने भी इकाई से अधिक बोल रहे हैं ये विलासिता की वस्तु है, विलासिता, ठीक है, क्या है ये विलासिता, और खाद्यान्न की बात करेंगे दोस्तों तो ये इकाई से कम होता है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि जिस अनुपात में होती है उससे कम अनुपात में दोस्तों आपके खाद्यान्न पर व्यय होता है, मतलब जो आप, ठीक है, जो 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 चीजें आप उपभोग करते हैं, जो आपका उपभोग व्यय होता है, उपभोग व्यय कौन सा, जैसे आप रोटी पे, चावल पे, तेल पे, इस पे क्या करते हैं कि कम व्यय करते हैं, आय अनुपात में बहुत तेजी से आय जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, उसकी अपेक्षा उपभोग व्यय क्या होता है उतना तेजी से नहीं बढ़ता है, तो ये इकाई से कम होता है। लेकिन विलासिता की वस्तुओं में जितनी आपकी आय बढ़ती है उससे ज्यादा आप क्या करने लगते हैं, व्यय करने लगते हैं, तब जाकर के ये क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इकाई से कम होती है। अगला प्रश्न, संसाधनों का सर्वाधिक सीमा तक कुशल आवंटन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों देखिए एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब जिंदगी में आप किसी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं ना, है ना, जब बहुत ज्यादा उसके साथ आप समय बिता रहे हैं, उससे हमेशा बात कर रहे हैं, और अगर जो कभी एक दो बार, एक बार कोई छोटी मोटी बात हो गई तो ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसा नहीं कर लेना चाहिए कि भैया ईगो है हम बोलेंगे ही नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार यार, एक दो बार तो माफ किया जा सकता है, तीसरी बार अगर जो ऐसा हो तो फिर जिंदगी में कभी पलट के ना देखिए, है ना। लेकिन देखिए जहां इंसान रहता है ना, एक बहुत अच्छी कहावत है गांव में बोली जाती है कि जहां पे बर्तन होता है वही, इस बर्तन जहां पे होता है वही बर्तन जो होता है वो आपस में टकराते हैं तो खनकते हैं। तो यार अगर जो बहुत समय आप किसी के साथ बिता रहे हैं तो यार छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो अब इसका नहीं कि हम बहुत अपने ईगो में आ जाए, एक दो बार यार माफ किया जा सकता है, एक दो बार के बाद अगर जो कोई लगातार ऐसा काम कर रहा है तो फिर यार, तो फिर क्या हो गया, तो फिर टाटा बाय बाय, उसके बारे में फिर जिंदगी में कभी सोचिएगा ही, सोचना भी नहीं चाहिए, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि संसाधनों का सर्वाधिक सीमा तक कुशल आवंटन प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि संसाधनों का कुशल आवंटन जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि बाजार का ज्ञान सबको होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, वहां पे जो मजदूर होते हैं उनको उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पे मजदूरी दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी किसी को छल के द्वारा उससे अप्रत्याशित लाभ नहीं कमा पाता है, तो संसाधनों का सर्वाधिक सीमा तक कुशल आवंटन जो होगा वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिल्कुल ठीक है कि नीचे बनाए गए आरेख में ई बिंदु पर बाजार संतुलन की स्थिति किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई,
ठीक है, क्योंकि देखिए दूसरे की वजह से आप क्या करेंगे, अपना दिमाग खराब रखेंगे, है ना, अपना दिमाग खराब रखेंगे। तो या तो मैटर को हमेशा के लिए ठीक कर लीजिए या हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, है ना, दो चीजें और ही चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा कि नीचे बनाए गए आरेख में ई बिंदु पर बाजार संतुलन की स्थिति किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल साहब बोलते हैं ना, तो ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल साहब बोल रहे हैं ना, और कोई भैया मार्शल के अलावा, मार्शल के अलावा कोई और बोल रहा है क्या, बिल्कुल। तो यहां पे क्या दिया गया है, डिमांड एंड सप्लाई दिया गया, और नीचे क्या दिया गया है, प्राइस दिया गया है। तो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों के निर्धारण की बात कौन करता है, ये भैया हमारे मार्शल साहब बोलते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संतुलित नहीं है, कौन सा युग्म संतुलित नहीं है, क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा युग्म संतुलित नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं भैया, ऑप्शन नंबर ठीक है, तो लियोन वालरा और सामान्य संतुलन, आपने कई बार दोस्तों इसको देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। गुर्नार मेडल विस्तार प्रभाव से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, और कार्ल मेगर जो है वो सीमांत उपयोगिता से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर है क्या बोल रहे हैं, पेरेटो समाज कल्याण फलन की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, विलफ्रीडो पेरेटो तथा समाज कल्याण फलन। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब कहेंगे कि सर जी ये पेरेटो साहब हैं ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र है ना, तो ये समाज कल्याण से क्यों नहीं जुड़े हैं, क्यों नहीं जुड़े हैं, इसलिए नहीं जुड़े हैं कि जो समाज कल्याण फलन होता है उसमें सभी व्यक्तियों के कल्याण की बात की जाती है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक के कल्याण में कमी लाएंगे तब दूसरे के कल्याण में वृद्धि लाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी बी बोल रहे हैं दोस्तों सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि समाज कल्याण फलन उन सब तत्वों एवं चरों को बताता है जिन पर समाज के सभी व्यक्तियों का कल्याण निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही, क्या उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सामाजिक कल्याण और सामाजिक कल्याण फलन अलग चीज है, ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, वो समाज कल्याण फलन की बात कर रहे हैं। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर कितनी रही, वो रही सर्वाधिक लगभग 6-8% रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से परंपरागत गैर व्यापारिक ऊर्जा को चुनिए। थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए,
थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्लास आप ही की तो है। क्लास मैं किसके लिए ले रहा हूँ, आपके लिए ही तो ले रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं भैया। चलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए क्या उत्तर होगा सर, कि निम्नलिखित में से परंपरागत गैर व्यापारिक ऊर्जा को चुनिए। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है परंपरागत और फिर गैर, ठीक है, परंपरागत और गैर दोनों दे दिया गया, कि मतलब जो परंपरागत नहीं है, जो परंपरागत नहीं है, क्या उत्तर आ रहा है सर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, भूताप ऊर्जा, उससे पहले आप देखिए वनस्पति एवं कृषि अवशेष, ठीक है। अब ये जो है दोस्तों, अब आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि जो अगर जो आप शहरों में रह रहे हैं, तो शहरों में भी क्या हो रहा है कि जब कूड़े वाले आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो घरों के अवशेष होते हैं या चाहे जैसे भी होते हैं, वो अलग अलग रखते हैं। और अब उससे दोस्तों क्या किया जा रहा है कि ऊर्जा निर्माण का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। तो परंपरागत गैर व्यापारिक ऊर्जा जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें सबसे अच्छा उत्तर जो हो जाएगा वनस्पति तथा व्यय कृषि अवशेष। अब जो दोस्तों आपके घरों से कूड़ा जा रहा है ना, अब उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं से ऊर्जा क्रिएट करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर जो आप शहरों में रह रहे हैं, तो आप जरूर देखिएगा कि जब नगर निगम की गाड़ियां आती हैं, तो उसमें क्या एक तरफ गीला कूड़ा और एक तरफ सूखा। फिर आप उससे पूछिएगा कि भैया ऐसा क्यों किए करते हैं, तो आपको सविस्तार से वो बताएगा। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करिए, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करिए, क्या उत्तर होगा भाई। सूची वन सूची टू क्या उत्तर होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर कुछ है तो नहीं इसमें ऑप्शन, लेकिन ठीक है फिर भी देख लेते हैं, है ना। तो गेट का उरुग्वे राउंड जो है दोस्तों, ये कब अस्तित्व में था, ये था 1986 में। कहाँ पे है, यहाँ पे। एरा की बात करें दोस्तों 1973, नरसिम्हन समिति की बात करें जिसमें वित्तीय सुधार हुआ था 91, और यूनिट ट्रस्ट की बात करें तो 1964, ठीक है। तो आई होप कि ठीक कर रहे होंगे सभी लोग, है ना, 3, 1, 4 और 2, ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा हाल के वर्षों में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारक है। अच्छा सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, क्या उत्तर होगा भाई। ठीक, तो चलिए, तो जितने लोग भी प्रश्न को अगर जो ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, बहुत इजी सी बात है। निम्न में से कौन सा हाल के वर्षों में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन, मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्यों सबसे ज्यादा मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, इसका कारण क्या है, कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, अपने अपने तरीके से लॉजिक लगा लीजिए, ठीक है। उत्तर नहीं लगता, उत्तर नहीं आता है तो फिर क्या होगा, लॉजिक लगेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारक जो है दोस्तों, वो कौन सा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी कैसे हो जाएगा भाई, डी कैसे हो जाएगा, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, डी कैसे हो जाएगा।
सरकार के पास जनता द्वारा जारी की गई करेंसी, सॉरी जनता के पास सरकार द्वारा जारी की गई करेंसी, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है भैया। ये मुद्रा परिमाण में परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जो जिम्मेदार है वो है सरकार का बैंकों द्वारा दी गई विशुद्ध साख। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत में गैर और स्थापना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण नीति में से किस मानक को अपनाना श्रेयकर है? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं ना जिसको 2-4-10 लाइन में व्याख्यित नहीं किया जा सकता है ना। तो जो प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसे मैं कभी कभी नहीं व्याख्या करता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से उसको थोड़ा सा सर्च करिए, है ना। क्योंकि बिल्कुल ठीक है, क्या बोलते हैं कि खुद से थोड़ा बहुत प्रयास करिए, क्योंकि थोड़ा बहुत खुद से भी प्रयास करना जरूरी है ना। क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि भारत में गैर अवस्थापना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण नीति में किस मानक को अपनाना श्रेयकर है? तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, भारत में गैर अवस्थापना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण नीति में किस मानक को अपनाना अधिक श्रेयकर है? तो भैया ये बताइए कि सरकार जो है वो सार्वजनिक उपक्रमों के जब कीमत का निर्धारण करती है तो वो इसी मानक को तो अपनाती है ना कि भैया इससे हमें क्या हो, अधिकतम लाभ हो। ठीक है, तो अधिकतम लाभ प्रदत्त का आधार हो। ठीक है, कि भारत में गैर अवस्थापना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण नीति में किस मानक को अपनाया जाता है? अधिकतम लाभ प्रदत्त का आधार हो, कि अगर जो सार्वजनिक उद्यमों का के हम कीमत का निर्धारण करें तो इससे सरकार को भी लाभ हो और साथ ही साथ जनता को भी क्या हो, लाभ मिले। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में दरिद्र जन्य विकास की अवधारणा के योगदान का श्रेय है? अब यहाँ पे तो दूसरी बात आ गई। ठीक है, चलिए बताइए, दरिद्र जन्य विकास की बात किसने की थी? किसने दरिद्र जन्य विकास की बात की थी? किसने कहा था कि जब एक अल्प विकसित देश अपने देश के अंदर जो संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, इन प्रचुर संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब इस प्रचुर संसाधनों की में कमी आ जाएगी, और जैसे ही ये प्रचुर संसाधन खत्म हो जाएंगे उस अल्प विकसित देश में, फिर उत्पादन करने के लिए कुछ बचेगा नहीं और वो देश जो होगा वो क्या हो जाएगा, दलिद्र हो जाएगा। तो ये बात हमारे भगवती साहब बोलते हैं, J.N. भगवती साहब। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दरिद्र जन्य विकास का मतलब ये है कि जब एक अल्प विकसित देश अपने देश के अंदर जो प्रचुर संसाधन है उसका प्रयोग करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है, तो जब लगातार ये स्थिति सतत रूप से होती रहती है तो एक समय ऐसा आता है जब प्रचुर संसाधन खत्म हो जाते हैं और देश क्या हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। ठीक है, अगला। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नांकित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात समान उद्योगों पर लागू होता है? क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ठीक है,
निम्नांकित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात समान उद्योगों पर लागू होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि ऐसी वस्तु जो राष्ट्र के बंदरगाहों के बाहर भेजी न जाए। ठीक है, तो इजी सी बात है भाई कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात समान उद्योगों पर लागू होता है। तो समान उद्योगों पे क्या लागू होगा, वही तो होगा ना कि ऐसी वस्तु जो राष्ट्र के बंदरगाह के बाहर न भेजी जाए, अर्थात वो राष्ट्र के बंदरगाह के अंदर ही रहे। इजी सी बात है। अगला प्रश्न, प्रशुल्क की वह दर जिसके आगे व्यापार की शर्तों में सुधार होने से प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में व्यापार की मात्रा में कमी होने से होने वाली हानि अधिक होने लगती है, तो इस प्रकार के प्रशुल्क को क्या कहा जाता है? सर बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से बता दीजिएगा। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? थोड़ा आराम से और थोड़ा सा प्यार से और थोड़ा सा धैर्य से। ठीक है, क्या कह रहा है ये? प्रशुल्क की वह दर, प्रशुल्क मतलब क्या होता है कि आयात और निर्यातों पे जो टैक्स लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रशुल्क बोलते हैं, है ना। तो देखिए, प्रशुल्क की वह दर है जिसके आगे व्यापार की शर्तों में सुधार होने से प्राप्त होने व्यापार शर्तों में सुधार एक पहला पॉइंट हिंट यहाँ पे दिया गया, सुधार होने से प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में व्यापार की मात्रा में कमी से होने वाली हानि अधिक होने लगती है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर जो इस प्रकार का प्रशुल्क लगता है तो एक तरफ जब व्यापार शर्त में सुधार आता है तो लाभ ज्यादा मिलने लगता है, और व्यापार की मात्रा में अगर जो कमी होती है तो हानि भी क्या होने लगती है, अधिक होने लगती है। तो इस प्रकार के प्रशुल्क को अनुकूलतम प्रशुल्क बोलेंगे। तो सरकार अनुकूलतम प्रशुल्क क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है भैया क्योंकि बहुत ज्यादा वस्तुओं का हम आयात भी ना करें और जो हमारे हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी मांग है, वो विदेशी वस्तुओं के द्वारा पूर्ति भी हो जाए। तो इसी वजह से जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उस पर सरकार प्रशुल्क बड़ी मात्रा में लगाती है, और जो वस्तुएं क्या होती हैं हमारे लिए उपयोगी होती हैं उस पर सरकार प्रशुल्क कम लगाता है। तो अगर जो इस प्रकार से प्रशुल्क लगाया जाएगा कि जिसमें राष्ट्र के हित को देखा जाएगा तो उसे अनुकूलतम प्रशुल्क कहा जाएगा। अगला प्रश्न, अनुकूलतम प्रशुल्क वह है जो प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम करे। इस अर्थशास्त्री का कथन है सर किस अर्थशास्त्री का कथन है अनुकूलतम प्रशुल्क वह है जो प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम करे, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला, कि सीमा संघ के व्यापार प्रत्यावर्तन प्रभाव का प्रदर्शन किया था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी, मुझे नहीं लग रहा कि कोई गलत करेगा, बहुत बार मैंने बताया हूं कि सीमा संघ के व्यापार प्रत्यावर्तन प्रभाव की बात किसने की थी, जैकब वाइनर साहब ने किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, संपूर्ण विपणन अधिकार की सुविधा भारत सरकार उन्हीं को प्रदान करती है जो, संपूर्ण विपणन अधिकार, चलिए बताइए सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक, इस संपूर्ण विपणन अधिकार की सुविधा भारत सरकार उन्हीं को प्रदान करती है जो, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि उद्यमी अपने उत्पाद पेटेंट की प्रार्थना डाक वाक्स प्रणाली के माध्यम से करते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो संपूर्ण विपणन अधिकार की सुविधा भारत सरकार उन्हीं को प्रदान करती है जो उद्यमी अपने उत्पाद पेटेंट की प्रार्थना डाक वाक्स प्रणाली के माध्यम से करते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता किसके द्वारा किया गया है?
सामान्य ऋण समझौता किसने किया भैया? ठीक है, और जिन लोगों ने भी, जो लोग भी सुबह 10 बजे मेरी क्लास ग्राफी पे नहीं ज्वाइन किए कर रहे हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सुबह में 10 बजे से आप हमारी क्लास को वहां पे भी ज्वाइन करिए, ठीक है। वहां पे प्रीवियस ईयर को एक क्रम से करवाया जा रहा है। तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, और कोई, सभी लोग डी बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। अरे भैया, सामान्य ऋण समझौता जो है ये IMF से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। कितने लोग सी बोल रहे हैं, कितने लोग सी बोल रहे हैं बताइए, बताइए भाई। बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। इजी सी बात है। तो सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता किसके द्वारा किया गया? तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया। अगला, निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा मुद्दा विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते का नहीं है, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन में जो कृषि समझौता हुआ उसके अंतर्गत 5 पॉइंट बताए गए। पहला पॉइंट था कृषि संबंधी समझौता घरेलू सब्सिडी से, दूसरा था निर्यात संबंधी, तीसरा था न्यूनतम मार्केट प्रवेश की वचनबद्धता, चौथा था कृषि संबंधी घरेलू प्रोत्साहन, पांचवा था स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य के उपाय, और जो छठा था वो वनस्पति और खाद्य भंडार सहायता, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, बीजों का पेटेंट, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन में कृषि समझौता जो है वो बीजों के पेटेंट को लेकर के नहीं हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत इसमें से कौन सा है, बताइए कमेंट करके। और सभी लोग वीडियो को थोड़ा सा एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक, चलिए, नितिन मिश्रा जी आप ठीक बता रहे हैं, बीजों का पेटेंट नहीं होता, बात आपकी बिल्कुल ठीक, सहमत। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत इसमें से कौन सा है सर, बताएंगे क्या आप मुझे? बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का है? सभी लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सर, सभी लोग का बिल्कुल ठीक है, व्यूह नीति व्यापार का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है? तो व्यूह नीति व्यापार का सिद्धांत, और इस सिद्धांत में व्यापार के लिए एक व्यूह नीति बनाई जाती है, ठीक है, कि किस तरीके से सुगमता से हम क्या कर सकते हैं कि व्यापार कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो व्यूह नीति क्या है कि कोई एक राष्ट्र अपनी एक व्यूह नीति तैयार करता है ताकि व्यापार किस तरीके से करके अपने लाभ को अधिकतम किया जा सके। बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है। आसान आ गया प्रश्न अब तो, है ना? जब प्रश्न आसान आने लगते हैं तो क्या होने लगता है, मजा उतना नहीं आता है, कठिन आते हैं तो बहुत मजा आता है ना। और अब धीरे धीरे मुझे ये समझ में आना बंद होने लगा है कि कौन से आसान है और कौन से कठिन है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कठिन हो या आसान हो, इतने सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को कई बार करवा दिए हैं कि अब उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, कठिन उसे ही कहा जाता है जिसे आपने कभी पढ़ा ना हो
या जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, ठीक है। अगर जो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम नहीं जानते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए कठिन है, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो ये कठिन है, और अगर जो पढ़े हैं तो बहुत आसान है। और ये आसान लगते क्यों हैं? क्योंकि ये प्रश्न बार बार आते हैं तो इसलिए आसान लगने लग जाते हैं, और जो प्रश्न बार बार आपके सामने नहीं दिखते हैं वो कठिन लगते हैं, ठीक है। तो अब तो मैंने इतने प्रश्न करवा दिए हैं कि अब कठिन और आसान प्रश्न को आइडेंटिफाई करने में मुझे भी समस्या हो, इसको किस श्रेणी में रखा जाए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सीमांत उत्पादकता के बराबर, बिल्कुल ठीक है भैया। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो मजदूर होते हैं उनको पता होता है कि प्रचलित मजदूरी दर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, और जो प्रचलित मजदूरी दर होता है उसके बराबर वो क्या करते हैं, अपनी मजदूरी लेते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है कि जो प्रचलित मजदूरी दर है उससे कोई भी उद्यमी उनको वंचित कर देगा, तो जितनी उनकी उत्पादकता होगी उसी के अनुसार पे वो क्या लेंगे, मजदूरी लेंगे। अगला इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अल्पाधिकार में मांग वक्र विकुंचित होता है, यह अवधारणा प्रतिपादित की गई और इसका अनुभाविक परीक्षण किया गया, ठीक है। जैसे जिंदगी में एक बात और सीखने वाली है कि जैसे ये बात बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है या ये लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत बुरा है, ये लड़की बहुत बुरा है। लोग कहते हैं ना कि यार इसको आता है इसको नहीं आता, क्या इसका रीजन है? इसका बस सिंपल सा एक रीजन है कि जिसको बढ़िया आता है सारी चीजें, मतलब जो अपने सब्जेक्ट में दक्ष है वो इसलिए दक्ष है कि क्योंकि लंबे समय से वो इस पर कार्य कर रहा है, लंबे समय से पढ़ रहा है, लगातार कठिन परिश्रम कर रहा है। और जो दक्ष नहीं है, जो कमजोर है, वो इसलिए कमजोर है क्योंकि वो लंबे समय से कोई और काम कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा। तो जो जितना दोस्तों क्या होगा, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही बढ़िया स्टूडेंट होगा, और जो कम मेहनत करेगा वो उतना बढ़िया स्टूडेंट नहीं होगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये जो दिमाग है वो भगवान ने दिमाग आपको दूसरा देके भेजा है और पड़ोसी वाले को दूसरा देके भेजा है, एक ही है, सबके पास एक ही दिमाग है। अब उस दिमाग का आप यूटिलाइजेशन कितना करते हैं ये जानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 2 घंटे आप क्लास देखना पसंद करते हैं कि 2 घंटे फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना पसंद करते हैं, रील्स देखना पसंद करते हैं, ये आपकी सफलता और असफलता को डिसाइड करता है। और आपका दिमाग के क्या यहाँ पे काम करना चाहिए, हाँ भाई जीवन जीने के लिए नौकरी पाना जरूरी है, तो नौकरी पाने के लिए क्लास देखते हैं ना, रील्स तो देखते रहेंगे बाद में, तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई? अल्पाधिकार में मांग वक्र विकुंचित होता है, यह अवधारणा प्रतिपादित की गई तथा इसका अनुभाविक परीक्षण किया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि स्विजी साहब और स्टिगलर साहब के द्वारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। तो अल्पाधिकार में मांग वक्र विकुंचित होता है, यह अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा तो स्विजी साहब को सबको पता होगा, स्टिगलर को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है, ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर न्यूनतम लागत सहयोग वाली फर्म को कहा जाता है, हमारे साथ के बहुत सारे लड़के हैं, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो वो टॉपर था, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोई हंसी वाली बात नहीं है, लेकिन आज मैं उसको देखता हूँ तो किराने की दुकान पे बैठता, उसको जब मैं देखता था तो लगता था कि यार ये पढ़ने में कितना तेज लड़का है, मैं चाहता था कि थोड़ा सा उससे मैं बात कर लूं ताकि वो मुझे भी कुछ बता दे। लेकिन अब मैं जब अपने घर पे जाता हूं तो देखता हूं कि वो किराने की दुकान पे बैठता है, ठीक है। हो सकता है कि उसकी परिस्थिति अलाउ करती हो ऐसा, और ये भी हो सकता है कि बाद में चल करके वो जितना बेहतरीन था उस चीज को वो आगे कैरी ऑन नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, अनुकूलतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म बोलते हैं, और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो फर्में होती हैं
वो उत्पादन के साधनों अर्थात श्रम से, श्रम भूमि टेक्नोलॉजी इस तरीके से यूज करती हैं कि इनका कुशलता पूर्वक प्रयोग करके ये मैक्सिमम उत्पादन कर पाती हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं, अनुकूलतम फर्में बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, अवसर लागत को निम्नतम भी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, तो जिंदगी में देखिए जीतने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। एक समय आप अच्छे हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरे समय आप अच्छे ही रहेंगे। एक समय परिस्थिति अच्छी है तो जीवन में हमेशा परिस्थिति अच्छी रहेगी, कोई सर्टेन नहीं है। एक टाइम परिस्थिति खराब है तो पूरा जिंदगी खराब रहेगा, ये भी कोई सर्टेन नहीं है। बस मेहनत करते रहिए, सब कुछ मिलने वाला। क्या उत्तर है भाई, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी महानुभाव बी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। विकल्प की त्याग लागत, बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सर सबका उत्तर ठीक नहीं होगा, ये होगा द्वितीय सर्वश्रेष्ठ की त्याग लागत, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी भी इसमें ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन यहाँ पे जो द्वितीय शब्द दिया है ना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवसर लागत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे दोस्तों ये जो टर्म होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है कि आप किसी एक वस्तु का उत्पादन करते हैं और सपोज करिए कि उस वस्तु की मांग अगर जो कम हो जाती है तो आप उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन करके अप्रत्याशित लाभ कमा पाते हैं। तो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ की त्याग लागत होगी दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, कई बार बताता हूँ कि कोविड के काल में बहुत सारी कपड़ा कंपनियां थी कि जब शॉप जो है उस वो क्या हो गया, बंद हो गया, तो कपड़ा बिकना बंद हो गया। ऐसी स्थिति में लोग केवल मास्क खरीदते थे, तो वो कंपनियां क्या थी, कपड़े से ही क्या करने लगी, मास्क बनाने लगी। तो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ की त्याग लागत हो जाएगी। तो जितने लोग भी सभी लोग बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। डी जो होगा वो राइट होगा, बी भी गलत नहीं है। अगर जो डी नहीं दिया होगा तो आप बी करेंगे, और ये शायद माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ऑप्शन नंबर डी को टिक किया, इसलिए मैं डी बता रहा हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कहीं भी इधर उधर जाइएगा नहीं, कमेंट करके आप बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं। देखिए नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आपके नोट्स कंप्लीट, जब तक आप सिंपल सटीक साधारण भाषा में नोट्स ठीक तरीके से पढ़ते नहीं है, रिविजन बहुत अच्छे से नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, आपको देख पाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को वहां पे मिलेगा, और आपका करंट भी कवर करा दिया जाएगा। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए। हमारी जो क्लासेस चल रही है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही है, और झारखंड पीजीटी का डेट आ चुका है, तो यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश स्टेट की दोनों परीक्षाओं के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए अलग अलग बैच चल रहे हैं। मध्य प्रदेश सेट की क्लास चल रही है, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों अगर जो इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर सकता हूँ कि कहीं से भी इधर उधर आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस देखिए मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। सिंपली दोस्तों आपको इस नंबर पे अपनी फीस पेमेंट करनी होगी, 9415868673 पे।
गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप फीस पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे आप टेस्ट परचेज करके वहां से डायरेक्ट टेस्ट को देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मैं चूंकि 9 बजने वाला है और आपकी क्लास पॉलिटी की शुरू होने वाली है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।